आ उज़मिल्न शेतरम बसमिल्लाम तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से असलकुम मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन और बतौर इस वक्त मैं जाफ़र कंपनी में फ़ील्ड आफ़िसर हूँ तो प्यारे काश्तकार भाइयों आज मैं आपको जाफ़र कंपनी के न्यूट्राफॉल डी ए पी के बारे में तमाम ज़िलों और तमाम शहरों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन इस अजला में क्या रेट चल रहा है जाफर कंपनी के न्यूट्राफुल डी ए पी का और प्यारे काश्तकार भाइयों उसके बाद मैं आपको सब्सिडी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं तो आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके तो प्यारे काश्तकार भाइयों आपको भी मालूम है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं अलहदुल्लह जो परसों इन्फॉमेशन मैंने दी थी वो कल मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सच साबित हुई और आप में से काफ़ी काश्तकार भाई ऐसे हैं जो मेरी हेल्प भी करते हैं और मुझे शाबाश भी दे रहे हैं और मुझे भी बता रहे हैं कि आपकी सच न्यूज़ साबित हुई परसों जिन काश्तकार भाइयों ने मेरी वीडियो सुनी उन्होंने बुरा चाहा उन्होंने सोचा कि ये गलत वीडियो है फेक है लेकिन कल उन उन्हों लोगों ने बताया मुझे जिन्होंने परसों मुझे बुरा कहा कल अच्छा कहा तो काश्तकार भाइयों अच्छे और बुरे हालात तो प्यारे काश्तकार भाइयों अच्छे और बुरे हालात और बुरा वक्त जो है आता रहता है लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इनशाला बहुत ही जल्द मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ लेकिन मैं आपसे वादा नहीं करता और ना ही आपको टाइम बताता हूँ यही वक्त है के जो वक्त इनशा वेरीफिकेशन जब स्टार्ट होगी तो चौबीस घंटे में एडवांस वीडियो आपको लगा के बता दूँगा जब भी वेरीफ़िकेशन स्टार्ट होगी तो इन शाला मैं आपको चौबीस से अड़तालीस घंटे पहले वीडियो में बताऊँगा कि फ़लाँ दिन इनशाला वेरीफिकेशन स्टार्ट होनी है तो इन ही जाएगी तो पिछली वेरिफिकेशन जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको अटतालीस घंटे पहले बता दिया था कि फ़लाँ दिन इन वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है तो वही मेरी बात सच साबित हुई जिस दिन का मैंने कहा उसी दिन मेरी बात सच साबित हुई कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत से काश्तकार भाइयों ने उनके दिल खुश हुए उनका दिल बाग बाग़ हो गए कि उन्होंने मुझे भी बहुत मैसेज किए मुझे गुड कहा मैसेज किए कि आपकी वीडियो सच होती है कि आपको भी मालूम होगा कि काफ़ी दोस्त वीडियो बनाते हैं वीडियो के अंदर कुछ और होता है बाहर कुछ और होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो भी वीडियो हो जो भी अपलोड करूँ कि आपके फ़ायदे के लिए हो कोई एक ना एक बात भी आपको अच्छी लगे तो इन आपका भी फ़ायदा हो सकता है आप मुझे भी दुआ दे सकते हैं तो काश्तकार भाइयों आपको मैं जाफ़र कंपनी की जो न्यूट्राफोल डीएपी है जिसकी मैं मशहूरी कर रहा हूं आपको भी बताता हूं कि आप अगर गंदम काश्त कर रहे हैं या आगे मकई काश्त करने वाले हैं तो प्यारे काश्तकार भाइयों जाफर कंपनी की न्यूट्राफोल डीएपी एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें इन आपको पैदावार में खातर हवा इजाफ़ा मिलेगा दूसरी खाद की नस्बत इन आपको बहुत ही वाज़ फ़र्क नज़र आएगा तो काश भाइयों तमाम ज़िलों और तमाम शहरों की जो न्यूज़ है वो मैं आपको देने वाला हूँ कि कौन से इजला में न्यूट्राफुल डी ए पी जाफर कंपनी का क्या रेट है तो हैदराबाद इक्यानवे सौ साठ रुपए रेट है और सखर इक्यानवे सौ अस्सी रुपए रहीम यारखान इक्यानवे सौ अस्सी डेरा गाजी ख़ान नौ हज़ार दो सौ पचासी रुपए मुल्तान नौ हज़ार दो सौ पचासी रुपए और खानवाल में नौ हज़ार दो सौ पचासी रुपये और बहावलपुर मेरा ज़िला जो है वो बहावलपुर है बहावलपुर में नौ हज़ार दो सौ पचानवे रुपए और शाहीवाल दो नौ हज़ार दो सौ पचानवे रुपए फैसलाबाद नौ हज़ार तीन सौ तीस रुपए गुजरावाला नौ हज़ार तीन सौ साठ रुपए और लाहौर नौ हज़ार तीन सौ चालीस रुपए पिशावर नौ हज़ार चार सौ तीस रुपए तो प्यारे काश्तकार भाइयों ये जो रेट है ये जाफर कंपनी के न्यूट्राफुल डी ए पी की रेट लिस्ट है और काश्तकार भाइयों आपसे गुज़ारिश है कि आप भी जाफर कंपनी की न्यूट्राफुल डी ए पी ज़रूर इस्तेमाल करें ये बैक्टीरिया कोटेड है और इन जो आपके फ़सल में आपके खेत में जमी हुई खाद पड़ी होती है उसको और जमी हुई जो खाद होती है ये बैक्टीरिया जो है ये पौधे तक ख़ुराक पहुंचाने में अमल का किरदार अदा करता है तो काश्तक भाई हो ये चीज की अपडेट लेकिन अब मैं आपको वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं कि वेरिफिकेशन के लिए न्यूज़ ये है कि ये काश्तकार भाई जो न्यूट्राफुल खादें इजाफी पैदावार और खुशहाल किसान जिन काश्तकार भाइयों ने आलू काश्त किया है उनसे गुजारिश है कि आप न्यूट्राफुल यूरिया का इस्तेमाल करें आलू में आप न्यूट्राफुल यूरिया का इस्तेमाल करें और काश्तकार भाइयों अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ तो काश्तकार भाइयों आपको भी मालूम होगा कि सीरियल नंबर की न्यूज़ देने वाला हूँ सीरियल नंबर जो है वो गो, वो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी काश्तकार भाइयों की वो अप्लीकेशन आ रही थी कि सीरियल नंबर जो है बैग डी ए पी न्यूट्राफोली हो या चाहे कोई भी डी ए पी है डी ए पी का बैग जो है वो बंद होता है लेकिन सीरियल नंबर से लोग दुकानदार डीलर हजरात जो है पैसे निकाल लेते हैं तो काश्तक भाइयों आपका फ़ायदा हो गया है लेकिन अभी तक कन्फर्म बात वाज नज़र नहीं आई कि मुकम्मल तौर पे सीरियल के बारे में बंद किया है या बाद में चल जाएगा ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई लेकिन अभी तक जो मौजूदा न्यूज़ है वो सीरियल जो है वो अभी तक बंद कर दी गई है और आटो पेमेंट के बारे में न्यूज़ ये है कि ऑटो पेमेंट आपको भी मालूम होगा कि पहले ऑटो पेमेंट जो है वो दो, दो दिन के लिए बंद कर दी गई थी अब जो है फिर कल से जुलाई के महीने के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जून और जुलाई जु जून पहले चल रहा था जून ख़त्म हो गया है और जुलाई के महीने के जो ऑटो पेमेंट है वो स्टार्ट हो गई है आगे अगस्त आएगा तो इन श्लाटो पेमेंट वाले जो हजरात हैं वो भी परेशान उनको होने की ज़रूरत नहीं है इनशाला उनको भी जल्द खुशखबरी मिलने वाली है कि जुलाई के महीने की जो ऑटो पेमेंट है वो आ रही है काश्तकार भाइयों और एक और बात भी मैं आपको बता दूँ कि आप में से कुछ काश्तकार भाई ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए जिन काशकार भाइयों ने डीएपी के लिए टोकन और शनाख्ती कार्ड आपने सेंड किए हुआ है टोकन नंबर सेंड किए हुए हैं जिस शनाख्ती कार्ड नंबर पे उस शनाख्ती कार्ड को कार्ड को आप एच एल दुकान पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर एच एल डिवाइस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे आए हैं या नहीं तो का, काफ़ी काश्तकार भाई ऐसे हैं आज की वीडियो में वाज में आपको बता देता हूं कि किसी न किसी काश्तकार भाई का ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उसको मालूम तो नहीं है कि मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए तो प्यारे काश्तकार भाई इन आपको मालूम हो जाएगी अगर आप अपना शनाख्ती कार नंबर किसी भी एच बी एल दुकान पर जाकर अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं तो इन श्ल्ला किसी न किसी भाई के पैसे जो हैं वो आए हुए होंगे आपको मैसेज जो है वो वसूल नहीं हुआ होगा तो एक काम जो है आप ये कर लें और दूसरी बात यह है कि सीरियल के बारे में आपको बता दिया है कि अभी तक गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं और उसके बाद है ऑटो पेमेंट के बारे में ऑटो पेमेंट जुलाई के महीने की आ रही है आगे इन अगस्त की बारी भी आने वाली है और वेरिफिकेशन की न्यूज़ ये है कि काश्त कर ये जो एक वेरिफिकेशन की न्यूज़ ये है कि इन बहुत जल्द वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट होने वाली है कुछ आज जो मालूम मुझे मिली हैं कुछ सिस्टम की खराबी की वजह से जिस तरह पिछले पिछली वेरिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले यही काम शुरू हो गया था कि जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई एक साथ स्टार्ट हुई तो तब आपको मालूम है जब वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है तो वेरिफिकेशन जो है धड़ो वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाती है तो फिर नेट का मसला बनता है या सिस्टम का प्रॉब्लम बनता है तो पिछली दफ़ा भी काफ़ी काश्त कार्रवाई को मुश्किल का सामना करना पड़ा कि वेरीफिकेशन करवाते थे जब उनके पैसे आ जाते थे तो पैसे निकलवाने के लिए जाते तो पैसे शो नहीं होते थे अब उनका जो मसला है वो हल हो रहा है इन आप जब भी वेरीफ़िकेशन करवाएंगे फ़ौर आपको ट्रांजेक्शन नंबर मसूल होगा आप अपनी सब्सिडी जो है वो फ़ौर हासिल कर पाएंगे तो काश्तकार भाइयों इंशाल्लाह बहुत जल्द वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह उम्मीद में रहें और मैं आपको 24 से 48 घंटे एडवांस में आपको बताऊंगा कि फ़लाँँ दिन को इंशाल्लाह शाला फ़लाँ ज़िले में वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी तो काश्तक भाइयों आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके ओके अल्लाह हाफिज़ बाय